लक्सर में तहसील मुख्यालय पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार की नियुक्ति ना होने से नाराज अधिवक्ताओं ने एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कुशल पाल सिंह व सचिव संजय चौधरी की अगुवाई में तहसील मुख्यालय पर जमकर हंगामा किया तथा एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। अधिवक्ताओं का कहना है कि पिछले कई माह से लक्सर तहसील मुख्यालय पर नायब तहसीलदार का पद खाली पड़ा है, जिसके चलते उनसे संबंधित तमाम कामकाज ठप पड़े हैं। क्षेत्र से आने वाले सैकड़ों फरियादों को हर रोज बेरंग लौटना पड़ता है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि इसी प्रकार मौजूदा तहसीलदार भी खफी समय से अपने कार्यालय नहीं बैठे हैं। उनकी कोर्ट और उनसे संबंधित अनेक कार्य लगातार प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे अधिवक्ता और जनता परेशान है। अधिवक्ताओं ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो वह आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यह है आपके चैनल के माध्यम से हम कह देना चाहते हैं, इससे पूर्व में भी दो तीन बार पहले भी कह चुके हैं कि पूरे 6 माह का समय बीत चुका है, ना कोई तहसील में नायब है ना तहसीलदार है। तहसीलदार 1 महीने में 2 दिन बैठती है, सब कामों की पेंडेंसी पड़ी हुई है, कोई कार्य नहीं हो रहे। हिस्सा प्रमाण पत्र दाखिल खारिज, किसानों के मोटेशन सब पदर में लटके हुए हैं। यदि इस मामले में हमने एसडीएम साहब जिलाधिकारी से 4-5 बार मिले, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकलने का, किसी तरीके का रास्ता नहीं निकल पा रहा। और यदि ऐसा नहीं होता, हम 8 दिन का समय देते हैं, एसडीएम साहब उन तालाबंदी चक्का जाम करेंगे। और साथ में क्षेत्र के किसान भी हमारे साथ लगे हुए हैं, क्योंकि उनके काम प्रभावित हो रहे हैं। आज फिर अधिवक्ताओं ने आपसे शिकायत भी की है, क्या एक्शन लिया आपने, क्या कार्रवाई होगी? नहीं देखिए, नायब तहसीलदार का पोस्ट वास्तविकता में खाली है और तहसीलदार 15-20 दिन से अवकाश पे हैं। उस वजह से सामान्य रूप से कार्य तो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के रूटीन के प्रमाण पत्र बनने हैं और म्यूटेशन इत्यादि कार्य है और अन्य जो भी हाईकोर्ट संबंधी कार्य है, तो उसके रिगार्डिंग डिमांड की गई है डीएम साहब से। क्योंकि तहसीलदार अवकाश पे हैं तो एक नायब तहसीलदार की मांग की गई है, जिससे कि म्यूटेशन इत्यादि कार्य और अधिवक्ताओं के द्वारा भी इसमें रोष व्यक्त किया जा रहा है। तो आज मेरे द्वारा स्वयं मीडियम साहब से वार्ता भी की गई है, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्दी एक नायब तहसीलदार की पोस्टिंग हो जाए। सर 70 नहीं, उसमें तो देखिए दोनों पक्षों को नोटिस इशू किए गए हैं। एक पक्ष के द्वारा अपना जवाब पुट अप कर दिया गया है और तहसीलदार के द्वारा अपना जवाब दे दिया गया है और कुछ बिंदुओं पर उनसे दोबारा से जवाब मांगा गया है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से उनके द्वारा अपना जवाब पुट अप नहीं किया जा सका है। बाकी जो भी चीज़ें अकॉर्डिंग टू नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।